हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 23, जो कि हमारा एक प्लेलिस्ट में बनाया है, जो कि कोई भी स्टूडेंट मुझसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो एज सून एज पॉसिबल मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 है और मैं जो प्लेलिस्ट बना उसका नाम क्या है, क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट के द्वारा, मेरे स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया, जिसका नाम शिवम है। तो चलिए, शिवम के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, जो कि हम लोग इसको अच्छे से लगाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन ए लाइन विथ अ वाटर टैंक, द डिस्टेंस ऑफ वाटर टैंक फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बींग 10 मीटर। कहना चाह रहे हैं, देखिए ये वाटर टैंक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक से जो पहला ट्री है वो कितने दूरी पे है, 10 मीटर पे। क्या लिखा है, नियरेस्ट ट्री क्या है, 10 मीटर पे है। बाकी जितने ट्री लगे वो कितने पे लगे हुए, 5 मीटर दूरी पे ट्री लगे हुए हैं, ठीक है, छोटे पौधे लगे हुए। ए गार्डेनर वाटर ऑल द ट्री सेपरेटली, सब पे क्या करता है, अलग अलग क्या करता है, पानी डालता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर टैंक, वाटर टैंक से वो स्टार्ट करता है, एंड रिटर्निंग बैक टू द वाटर टैंक आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट वाटर फॉर द नेक्स्ट। क्या करता है कि एक, मान लीजिए अगर एक छोटा सा मग लेता है या कोई छोटा सा डिब्बा लेता है पानी डालने के लिए, तो पहला एक बार इसमें से पानी निकालता है, फिर इसमें डालने चला जाता है, फिर डाल के तो पानी ख़त्म, फिर वापस पानी लेने आता है, फिर वापस पानी ले, तो फिर अगले वाले में पानी देने जाता है, फिर अगले वाले में पानी दे जाए, ऐसे वापस बार बार आके पानी भर भर के जाता है और अगले अगले ट्री में क्या करता है, वो देता जाता है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये AP का क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट क्या मतलब बन रहा है कि अगर ये यहाँ से आया 10 मीटर तो फिर वापस पानी लेने जा रहा है, इसका मतलब जो भी काम कर रहा है इसको डबल करना पड़ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक गया 10, फिर वापस आया कितना आ गया, 20 हो गया, ठीक है। फिर जब इस पेड़ को पानी दे दिया, इस पौधे को पानी दे दिया, फिर अगले वाले पे जा रहा है तो कितना जाएगा, 15, फिर 15 वापस आ रहा है वाटर टैंक पे पानी भरने के लिए, जो भी वो छोटा सा वो अपना डब्बा या लिया होगा, ठीक है। तो आगे चलते, फिर आगे क्या कह रहा है, इस ट्री फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर इन द ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्री। कह रहा है 25 ट्री हैं टोटल, कितने हैं, 25 ट्री है, तो 25 ट्री तक इसको पानी देने में कितना टोटल ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेट यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए जो लेंगे, यहाँ से यहाँ गया और उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, वापस आया, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, 10, फिर आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, फिर अगले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। लेकिन ये जा तो रहा है, साथ ही साथ ये वापस भी आ रहा है, तो वापस आने के लिए इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस रन टू बी रन आर क्या होगा, फर्स्ट ट्री के लिए क्या होगा, 10 है तो 2 × 10 कर देंगे, कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकेंड ट्री के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्री के लिए हो जाएगा यहाँ 15, वापस जाएगा तो कितना हो जाएगा, दोगुना, तो 2 × 15 कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जब थर्ड ट्री को जाएगा तो यहाँ पर फर्स्ट ट्री था, सेकेंड ट्री था, ये थर्ड, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, इसी तरीके से 25 ट्री तक उसको जाना है, बार बार पानी भर के फिर वापस जाना, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है, ठीक है। यहाँ जाएगा, भर देगा, फिर वापस जाएगा, फिर भर के इसमें देगा, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ पे पानी दे करके फिर वापस जाएगा पानी भरने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड जो ट्री को पानी देगा तो कितना जाएगा, थर्ड ट्री के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ से 10, 5 और फिर ये 20, 20 मीटर जाएगा, फिर 20 मीटर आएगा तो 2 × क्या कर देंगे, 20 मीटर में, तो कितना हो गया, 40 मीटर। तो सो ऑन हम लिख लेंगे क्या, 20 कितना हो जाएगा, 30 हो गया, 40। अब पूछ रहा है 25 ट्री तक जाने में उसको कितना वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, तो लिखेंगे क्या, SN इज इक्वल टू, हमको S25 निकालना है, ठीक है, S25 का मतलब होता क्या है, मतलब ये होता है कि S25 को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गार्डेनर, ठीक है, ये SN25। तो हम फार्मूला क्या होता है, S25 का मतलब, SN का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, SN इज इक्वल टू होता है N/2 2A + N-1D, इस तरीके से फार्मूला होता है, इस फार्मूला को रख देते हैं। N क्या हमारा, N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25 ट्री, तो लिखेंगे क्या, 25 / 2 (A), यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है 20, कितना है, थोड़ा नीचे आ जा रहा हूँ,
ए हमारा कितना है 20 है, डी हमारा कितना है 30 में से 20 माइनस करें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा डी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने लगा दिया, एन की वैल्यू हमको पता ही चल गया, एन की वैल्यू कितनी है 25 t लगा, 25 t तो हमको पानी देना था, बात खत्म। यहाँ पर 2 into a की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है, तो 20 हमने लिख दिया, प्लस एन माइनस 1 d, मतलब 25 था, 25 - 1 d मतलब कितना हो जाएगा लिख लेते हैं 25 - 1, और डी की वैल्यू कितनी थी 10 थी। इसको सॉल्व करते हैं, s25 = कितना हो जाएगा 25/2, पॉइंट में नहीं ले जाएंगे अभी, इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और इसको करेंगे कितना हो जाएगा 24 में 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 240 में 40, 40 में 240 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 280 इंटू ये हो जाएगा 25/2, इसको कट करते कितना हो जाएगा 2 1 2 2 4 8, ये 140 आ गया। अब जब 140 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 0 25 0, और 25 4 कितना हो जाएगा 100, 100 को लिखेंगे 0, कैरी आया 10, 25 1 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35, तो 3500 meter इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे देयरफोर द टोटल डिस्टेंस द गार्डेनर हैज टू ट्रेवल इज 3500 meter, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो तो। ठीक है, चलिए इन बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर, और आपके जितने भी सीनियर या जूनियर हैं जिनको इनकी ज़रूरत है उसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।